12वीं की परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन लेने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए शंकराचार्य डिग्री कॉलेज प्रबंधन में जिला कलेक्टर से निवेदन किया कि उनके कैंपस में आधार कार्ड अपडेशन शिविर लगाया जाए ताकि कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। आज के समय में आधार कार्ड सभी वर्गों के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज हो गया है, खास तौर पे वो बच्चे जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। परंतु आधार कार्ड का अपडेशन ना होने की वजह से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए शंकराचार्य डिग्री कॉलेज प्रबंधन ने दुर्ग जिला कलेक्टर से अनुरोध किया था कि उनके कैंपस में बच्चों के आधार कार्ड अपडेशन के लिए एक कैंप लगाया जाए, जिसकी अनुमति तत्काल दुर्ग कलेक्टर ने देते हुए नगर निगम भिलाई को आदेशित किया कॉलेज कैंपस में आधार अपडेशन शिविर लगाया जाए। इस आधार अपडेशन शिविर में कॉलेज के बच्चों सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी अपने आधार कार्ड का अपडेशन कराया। इस आधार कार्ड अपडेशन शिविर की जानकारी शंकराचार्य डिग्री कॉलेज की प्राचार्य सहित साथ ही एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने भी जानकारी देते हुए बताया कि वह भी अपने आधार कार्ड का अपडेशन कराने आया है। आधार अपडेशन शिविर के कोऑर्डिनेटर ने एसीएन न्यूज़ टीम को उपलब्ध कराई। एक्चुअली एक शंकराचार्य कॉलेज मैनेजमेंट का एक रिक्वेस्ट गया था कलेक्टर मैडम के पास कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन में एडीसी आईडी को लेके प्रॉब्लम हो रही है, जिस पे आधार का अपडेशन होना ज़रूरी है, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट दिया था। तो कलेक्टर मैडम के आदेश से और हमारे एडीएम मैडम के दिशा निर्देश पे हम लोग यहाँ पे आज सारे ऑपरेटर शिविर लगाए हैं। जो इन्होंने अनुमानित स्टूडेंट बताया था उससे थोड़ा सा भी कम है, अब देखते हैं शाम तक जो भी होता है। अब एक तो उनका आधार अपडेट हो जाएगा, आज की डेट में उनके कॉलेज एडमिशन से लेके हर चीज़ में आधार कंपलसरी हो गया है, तो वो अपडेट ना होने के कारण वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं और भी उनके जो समस्याएं हैं वो नहीं हो पाती, इस अकाउंट खोलना है अकाउंट नहीं खोल पाता, तो वो अपडेट हो जाने से उनको ईजी हो जाएगा। इवनिंग जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है उसको अपडेटेड करके रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये जो आधार अपडेशन का ये जो शिविर आयोजित हो रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कलेक्टर मैडम का और नगर निगम का। एक्चुअली में सर हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो जब आपका ABC अकाउंट रहेगा तभी आप एनरोल हो सकते हैं, तो ये बच्चे बार बार आके अपनी समस्या बता रहे थे, तो फिर ये समस्या हमने गए नगर निगम में हमने बात की, फिर उसके बाद में हम कलेक्टर मैडम के पास गए तो बहुत अच्छा मैडम का रिस्पांस था और मैडम ने तुरंत इस कार्य को तत्काल कहना चाहिए कि संपन्न कराया और 2 से 3 दिन के अंदर में हमारे यहाँ पे ये शिविर। नहीं सर, आधार कार्ड तो आजकल जो है बहुत ज़रूरी हो गया है हर एक चीज़ के लिए, तो 12th के बाद में सर वैसे भी जो है बच्चों को अपग्रेड कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस माध्यम से ये है कि उनका तो हो ही रहा है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का तो हो ही रहा है, साथ में हमारे यहाँ पे महाविद्यालय में जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और साथ ही साथ हमने सर इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया कि जैसे कि हमारे यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, तो यहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और इस शिविर का जो है वो लाभ उठा रहे हैं। जी अभी थोड़ी सी कम है, मॉर्निंग में जो था वो उसका जो था ज़्यादा था, अभी थोड़ी सी बारिश वारिश आ रही थी उसकी वजह से कम हो गया है, और अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर में क्लासेस चल रही हैं, तो जब वो ओवर होंगी तब वो बच्चे यहाँ पे नीचे में आएंगे। अच्छा, क्या क्या किया आधार में? उंगलियों के निशान लगाए? तो आज आपका आधार अपडेट हो गया? हाँ। आपका नाम क्या है? नाम अतर सिंह। आज आधार कार्ड एक आम इंसान की वह पहचान बन गया है जिसे हर 5 वर्ष में अपडेट कराना आवश्यक है, क्योंकि हर 5 साल में इंसान के फिंगरप्रिंट एवं अन्य शारीरिक संरचना में बदलाव हो जाता है। इस बदलाव की जानकारी आधार कार्ड के माध्यम से सरकार तक पहुँचती है, तब जाकर हमारी पहचान सुनिश्चित होती है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।